हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। स्टोरीलाइन फॉर यू प्रेजेंट्स हीरो ध्रुवम सीजन 1 एपिसोड 7। दोस्तों अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि विक्टर को सीरियल किलर का कार का नंबर मिल जाता है। क्या विक्टर इस बार कार के नंबर से उस सीरियल किलर तक पहुंच पाता है या नहीं, वो हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर कर दीजिए, जिससे इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग विक्टर और किशोर को देखते हैं जो आरटीओ ऑफिस आकर उस कार की डिटेल निकलवाते हैं। जब आरटीओ का ऑफिसर विक्टर को कार की डिटेल देता है तभी विक्टर और किशोर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये किसी कार का नंबर नहीं था बल्कि एक बाइक का नंबर था। लो भाई, खुदा पहाड़ और निकला चूहा, गई भैंस पानी में। मतलब दोस्तों किलर ने उसके कार में बाइक का नंबर प्लेट लगाया होता है ताकि उसके कार के बारे में किसी को पता ना चले। तभी विक्टर को कितना के ऑफिस कैब ड्राइवर के बारे में याद आता है, तो विक्टर कैब ड्राइवर को कॉल करके जहां पर ड्राइवर ने कार को सर्विसिंग करने के लिए दिया था उसका एड्रेस पता करता है। और विक्टर और किशोर सर्विस सेंटर जाकर वहां पर जितनी भी रेड कलर की इनोवा सर्विसिंग होने के लिए आई थी उन सब की डिटेल्स निकलवाते हैं। और ये लोग इनोवा कार के ओनर से पूछताछ करते हैं और विक्टर उनकी कार को चेक करता है पर कुछ भी फायदा नहीं होता है। तभी विक्टर एसीपी के दोनों कांस्टेबल्स को देखता है जो उस पर नजर रखे हुए थे। विक्टर उन दोनों कांस्टेबल के पास जाकर बोलता है, तुम मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना, मुझे पता है तुम लोग मेरे घर में घुसे थे। अच्छा, क्या कुछ दिनों से कोई कार मुझे फॉलो कर रही है? तो वो कांस्टेबल बोलता है कि सर आपको एक येलो कलर नंबर प्लेट वाली टैक्सी फॉलो कर रही थी। तो विक्टर और किशोर पुलिस स्टेशन जाकर उन सारे विक्टिम्स के कॉल डिटेल्स को चेक करते हैं, जिनमें उन्हें एक नंबर मिलता है जो कि सारे विक्टिम्स में कॉमन होता है। जब विक्टर उस नंबर को कॉल करता है तब उसे पता चलता है कि ये एक कॉल टैक्सी कंपनी का नंबर है। विक्टर किशोर को बोलता है कि सारे विक्टिम्स को मारने वाला एक टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, क्योंकि जब भी हम किसी टैक्सी को बुक करते हैं तो हमें वहां पर पिकअप और ड्रॉप लोकेशन एंटर करना होता है। इसी वजह से टैक्सी ड्राइवर को हमारा एड्रेस पता होता है और इन सब विक्टिम्स ने महीने में एक बार इस टैक्सी सर्विस को यूज किया है। तभी डीसीपी विक्टर को कॉल करते हैं और विक्टर डीसीपी को बोलता है कि सर हमने उस सीरियल किलर को ढूंढ लिया है, वो एक टैक्सी ड्राइवर है। पर डीसीपी विक्टर को बोलता है विक्टर अब ये केस सीबीसीआईडी के पास है। तो विक्टर डीसीपी को एक दिन का टाइम मांगता है किलर को पकड़ने के लिए और डीसीपी इसके लिए परमिशन दे देते हैं। विक्टर अपने पुलिस स्टेशन के सारे कांस्टेबल्स को बोलता है कि हम लोग एक सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग इस सीरियल किलर को पकड़ेंगे। विक्टर अपने सारे कांस्टेबल्स को उस टैक्सी कंपनी के सारे ब्रांच में पूछताछ करने के लिए बोलता है। विक्टर की टीम टैक्सी कंपनी के सारे ब्रांच में जाकर हैंडीकैप ड्राइवर के बारे में पूछताछ करती है। जब विक्टर एक ब्रांच में जाकर हैंडीकैप ड्राइवर के बारे में पूछताछ करता है तो उसे वहां पर कुछ भी क्लू नहीं मिलता। जब विक्टर वहां से जा रहा होता है तभी उसकी नजर वहां पर बाइक बोर्ड पर पड़ती है जहां पर एक तमिल पोएम लिखा हुआ था। तो विक्टर वहां पर लिखे हुए तमिल पोएम की हैंडराइटिंग को अब तक के सारे क्राइम सीन पर मिले तमिल पोएम की हैंडराइटिंग से मैच करता है और हैंडराइटिंग मैच कर जाती है। तो विक्टर उस ब्रांच मैनेजर को पूछता है कि ये किसने लिखा है। तो मैनेजर बोलता है कि सर ये हमारे ड्राइवर गुणशेखरन ने लिखा है। तो विक्टर गुणशेखरन के सारे टैक्सी ट्रिप्स के बारे में पता करता है पर जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन गुणशेखरन जिस ट्रिप पर गया था उसको बुक करने वाले लोगों को जब विक्टर फोन करता है तो उन सब का फोन स्विच ऑफ होता है। तो विक्टर को यकीन हो जाता है कि गुणशेखरन ही वो सीरियल किलर है। तो विक्टर मैनेजर से गुणशेखरन की सारी डिटेल पता करता है और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा क्या अब विक्टर गुणशेखरन को एक और मर्डर करने से रोक पाएगा या नहीं। एपिसोड 7 कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।